दतिया थाना दोसड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम देसवार का मामला, जहां फरियादी ने लगाई न्याय की गुहार। जमीन पर धोखे से कब्जा, पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कहा, धोखे से हमारी जमीन पर किया जा रहा कब्जा, नहीं सुन रहा प्रशासन। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि देसवार निवासी मंगल सिंह रजक पुत्र स्वातिजू रजक थाना दोसड़ा ने लिखित आवेदन देकर थाना दोसड़ा को उक्त मामले से अवगत कराया। मामले की जांच नहीं होने पर फरियादी के द्वारा दतिया पुलिस अधीक्षक सह दतिया कलेक्टर को भी आवेदन देकर अवगत कराया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवा दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज तक दोसड़ा पुलिस के द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच नहीं की जा रही है, जिस पर आरोपी ने अपने साथ किसी अनहोनी घटना घटित होने की बात कही और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की। जी, हमारा नाम उत्तम सिंह है, पिताजी के नाम श्री मंगल सिंह रजक है और हम दिसवार के रहने वाले हैं। हमारा प्लॉट है मलखानपुर रोड पर, तो हमारे पास उसकी रजिस्ट्री है और सारे कागज हैं और दबंग लोग उस पर आगे से रोड पर कब्जा किए हैं। हमारे अंदर जाने का पूरा रास्ता बंद कर दिया है, कुछ हमारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। और तो हमने जब उन्होंने हमारे उस पर प्लॉट पर बालू का वो ट्रॉली उतारी, तो हमने कहा भैया ये क्यों डाल रहे हो, तो कह रहे हैं कि कब की घटना है, कब डाली थी बालू? उन्होंने बालू डाली थी 16/10/2021 को, हमने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके पहले उस जमीन पर कुछ था? उस जमीन पर कुछ नहीं था। आप लोग निकलते थे? जी, हमारा रास्ता था, हमारा पश्चिम दिशा का रास्ता था वो मैं रोड से। तो हमने थाने में 16/10/2021 को प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने कहा कि भैया ये ज़मीन से संबंधित है, इसको पटवारी वगैरह देखेंगे, और उनने प्रार्थना पत्र ले लिया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। फिर भी बोले हम आएंगे मौके पर देखेंगे, तो मौके पर नहीं आए वो। इसके बाद फिर हमने 26/10/2021 को जन सुनवाई में आवेदन लगाया था कलेक्टर महोदय के यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दे दो। उन्होंने कलेक्टर साहब ने हाल फिलहाल तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने आरआई के लिए लिख दिया, बोले जाके देख लेना। हम पटवारी से मिले तो पटवारी बोले ठीक है हम आएंगे देख लेंगे। उसके बाद फिर जब वो निर्माण कार्य करने लगे, तो हमने फिर डायल हैंडल लगाया तो पुलिस की आई गाड़ी और उन्होंने देखा कि काम लगा रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई आपके पास कागज़ हैं? तो बोले हाँ हमारे पास कागज़ हैं, और जबकि उनके पास कोई कागज़ नहीं है। हमें भी थाने बुलाया तो हम कागज़ लेके पहुँचे, तो बोले थाने के जो मुंशी और अधिकारी वगैरह हैं, बोले ये कागज़ आपके किसी काम के नहीं है। रजिस्ट्री को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया? हाँ जी, हमारा जो विक्रय अनुमान पत्र है शासन के द्वारा, जो तहसील के द्वारा बनाया जाता है, और ये है अपना 23/9/99 का है जी, 23/3/3/2/99 की हमारी रजिस्ट्री है। हाँ, 1999 की, और इससे पहले भी हमारे चाचा की ज़मीन थी, उन्हीं से हमने उन लोगों ने, उन्होंने दूसरे को बेची, फिर उनके बाद फिर हमारे पिताजी ने, मतलब वो हमारे खुद फिर हमारे पास आ चुकी है। उसमें स्पष्ट नक्शा खुला है, रजिस्ट्री है और चौहदी खुली है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया है कि नहीं ये कागज़ तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। तो हम एक बार फिर 31 तारीख को हमने फिर तहसीलदार के पास पेश हुए, तो उनने आरआईओ पटवारी को सूचना दी कि जाओ मौके पर देख के आओ। तो वो वहाँ पर मौके पर आए देखने के लिए, तो इन्होंने पटवारी को मारने की धमकी दी और हम लोगों को मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है। आपके पास वीडियो है? जी, उसका वीडियो है मुझे, और जो वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाया है, और बोल रहे हैं कि देखो वो तो लक्का रहे हैं और हमने पटवारी को भी मार के भगा दिया है, धमकी दे के, देखो जे हमारे पास वीडियो है, वो क्या करेंगे साले, दो कौड़ी के हैं कह रहे, मार मार के सारे लाशें बिछा दी। अभी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? पुलिस आती है चली जाती है, महोदय मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। कह रहे हैं ज़्यादा नेतागिरी करते हो तो अभी तुम्हें बता देंगे साले, कार्रवाई कर देंगे, और जो अपराधी है उसको पकड़ के ले जाते हैं और वहाँ जाके छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ देते हैं महोदय ये नहीं पता हमें। उसके बाद जब पटवारी चले गए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा पटवारी जी से कि हम क्या करें सर, तो बोले ऐसा है आप अपनी वो कर लेना जो भी आपको करना है। तो हम कर रहे थे अपनी प्लॉट में काम कर रहे थे, अपनी बुरवाई वगैरह जो भी, तो वो आए उनकी महिलाएं, मुल्लू की पत्नी और कल्याण की पत्नी, दोनों झगड़ने लगी, गाली गलौज, और उसका भी वीडियो मेरे पास है। और अपराधी जो है कल्याण, वो बोल रहा है कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, हम फिर भी इस पर मकान बनाए। मतलब उसने अपना जो स्वयं
कबूल किया जी जी बिल्कुल, वो खुद कह रहा है वीडियो में, जिसका वीडियो मेरे पास है जो आपके समक्ष पेश करूँगा। और उसकी जो पत्नी है मुल्लू की और कल्याण की पत्नी, बहुत झगड़ालू है, बहुत प्रताड़ित करती है। कल हमारे पिताजी गए उधर देखने के लिए तो उनको मारने पीटने के लिए दे दौड़ी, और वो जो रोते विलखते आए यहाँ बताए तो, और थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने जिला अधिकारी तक आवेदन लगा दिए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोदय मेरे पास ये कागज़ हैं, जन सुनवाई का कागज़ है मेरे पास, सब है। जबकि हाँ, हम तहसीलदार जी के पास गए, तहसीलदार महोदय के पास, तो उन्होंने तुरंत आरआई और पटवारी को लिखा, तो पटवारी महोदय और आरआई साहब ने भी हमारा तुरंत काम किया है, और हल्के हाल आके उन्होंने देखा, लेकिन दमंगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, डरा धमका के मतलब भगा दिया उन्हें, उनकी भी बेइज्जती की महोदय। और दमंग लोग हैं, उन्होंने पटवारी को धमकाया और हम लोगों को भी धमकाया, और उल्टा सीधा लिखवा लिखू के क्या लिखवाया हमें कुछ पता ही नहीं, और हमारे पिताजी को भी धमकाया उन्होंने, कह रहा साले एक ठूसा दे दूंगा तो मर जाएगा अभी तो। कितनी जमीन पड़ती होगी आपकी जो विवादित जमीन है अभी? हमारी 80x80 की जमीन है, जिसमें पूर्व और पश्चिम का रास्ता आम खुला हुआ है बिल्कुल स्पष्ट, ये देखिए नक्शा है हमारा। फिर हमने इसके बाद में एक हमने आवेदन उधर भी लगाया था, 1/12/2021 को पुलिस अधीक्षक के पास, एसपी साहब के पास जी, उसका भी जी हमारे पास आवेदन है। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, वो लोग बहुत दमंग लोग हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं, लाठी कुल्हाड़ी लेके आ जाते हैं हमारे सभी परिवार को। हम लोग 3 भाई हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, हम लोग को जान का खतरा है महोदय, हम बहुत परेशान हैं। दादाजी नाम क्या है अपना? मंगल। कहाँ से आया? दिसवार मलखानपुर। क्या मैटर हो गया, क्या समस्या हो गया? साहब हम हुआ जाते हैं कि साहब कोनो काम करते हैं, झकरा वगैरह से थूमा उमा गाड़े से भी उतर से लठ लेके यहाँ आ जा रहे। अच्छा, आपकी जमीन पर? हाँ, हमारी जमीन पर। कहाँ है आपकी जमीन? मलखानपुर दिसवार के बीच में है, वो रोड के करके। रोड के करके? हाँ। तो वहाँ पर किसने कब्जा किया है? कब्जा तो अब हमने लई सुबह वीर से, वो बिन धरे फिर रहे भी गाँव में, वो बजरी मजरी पटक दी ऊपर से ठेकर। नाम नाम क्या होगा? मुल्लू। मुल्लू वहाँ क्या लगती है? कल्याण कुशवाहा। कल्याण कल्याण। अच्छा। लड़का को कल्याण नाम। लड़का कल्याण कुशवाहा। हाँ, उन्हीं से विवाद चल रहा है। हाँ, पुलिस को सूचना दी इस बारे में आपने? पुलिस हाउस चली जाती, देख दाग के लोहा बस चली, कार्रवाई नहीं करती, लोहा जाती है, कुछ नहीं हो रहा साहब, हमें